हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आज का जो मेकअप लुक है वो टीनेजर मेकअप लुक है और बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट के साथ और अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ आज का ये मैंने लुक क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने फेस मिस्ट ले लिया है। जिसके पास फेस मिस्ट नहीं है उसके पास रोज़ वाटर तो होगा ही होगा, तो आप अपने फेस को रोज़ वाटर से एक कॉटन बॉल ले लो, टैप टैप करके पूरे फेस पे लगा ले। फिर उसके बाद मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है प्राइमर के तौर पे। और फ्रेंड, आप सभी जैसे जानते हैं कि प्राइमर हम यूज़ तभी करते हैं जब हम मेकअप करते हैं, और इसलिए ताकि हमारे जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। फिर उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस पर्ल इल्यूमिनेटर। फ्रेंड ये इतना अच्छा है कि कुछ कहने को नहीं है, और मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पर दे रखा है, और जिसने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता है, मतलब 200 के अंदर 150 के आसपास ही आ जाता है। और देखो, इसको लगाने से आपको किसी भी हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके फेस में एक नेचुरल सा ग्लो ऐड हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि एक नेचुरल सा शाइनी सा आपका फेस कर रहा है। फिर मैंने लैक्मे की 925 सीसी क्रीम ले रखा है। फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी है, आप इसे लगा लो। फिर इसके बाद लगाने के बाद आप एक और लेयर अपने अंडर आई पे और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे लगा लो। फिर से अच्छे से ब्रश से या फिंगर से सेट कर लो, बिल्कुल डन। आपको कोई भी फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर होगा या ब्रश होगा, कोई भी होगा, उससे आप अच्छे से सेट कर लो ताकि आपका फेस पे कोई भी केकी ना लगे। और इसीलिए मैंने यही वाली जो क्रीम है ना, इसको अपने अंडर आइज एरिया पे लगा लिया ताकि हमारा जो ब्लैक ब्लैक है ना वो ना रहे, और ये पूरा कंसीलर की तरह काम करे। तो आपको अलग से कोई कंसीलर ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैंने ये लैक्मे का ही रोज़ लूज पाउडर लिया है, और ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। और आप इसे अच्छे से अपने फेस पे पूरा लगा लो, ख़ास तौर पे आई एरिया पे, टी जोन एरिया पे, जहाँ पे आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे अच्छे से इस पाउडर को सेट कर लो ताकि हमारा जो मेकअप है वो निकले ना, अच्छे से सेट रहे। फिर इसके बाद ये मेरा छोटू सा पैलेट है आई शेडो का, इसमें आप देख सकते हैं आई शेडो भी है, कॉम्पैक्ट भी है, और सबसे लास्ट में दे रखा है 4 लिपस्टिक। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप परचेस कर सकते हो अपने ऑनलाइन मार्केट में, अपने मतलब लोकल मार्केट में और ऑनलाइन। और मैंने आई पे कोई भी मेकअप नहीं किया, सिर्फ सिंपल सा वाइट कलर का हाईलाइटर होता है ना सिल्वर, वो मैंने हल्का सा लगा लिया है। फिर उसके बाद हल्का सा ही मैंने लगाया है क्योंकि ये टीनेजर मेकअप लुक है, तो टीनेजर में आई में बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना पसंद करते हैं। तो सिर्फ आप सिल्वर हाइलाइटर लगा लो, उसके बाद आपके पास कोई भी काजल हो या आईलाइनर हो उसे आप अच्छे से लगा लो, और थोड़ा सा मोटा लगाओ, थिक लगाओ, ताकि आपका जो आईज है वो अच्छा लगे और आपका मेकअप भी फुल लगे। फिर उसके बाद हमने कॉन्टोरिंग करना है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें अपनी फेस की कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि हम इतना अपने फेस पे मेकअप लगाते हैं ना तो हमारा फेस वैसे भी इतना फेस हमारा भरा भरा सा रहता है तो मेकअप लगाते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है वो। तो इसलिए फेस पे थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, कॉन्टोरिंग कर लेंगे, जैसे नोज़ एरिया पे करना होता है, जो लाइन पे, चीक्स पे, फोरहेड पे, इन 4 जगह आपको ज़रूर कॉन्टोरिंग करना होता है ताकि आपका जो फेस है ना वो शेप में लगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्टोरिंग। फिर उसके बाद इसे अच्छे से हम सेट कर लेते हैं। ये सारा प्रोसेस आप उंगलियों से भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम देना, अगर आप फिंगर से कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम देना। फिर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, नहीं अब हम ब्लश लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा ब्लश हो गया है। आपके पास अगर कोई ब्लश नहीं है तो आपके पास कोई पिंक कलर की या रेड कलर की लिपस्टिक भी होगी ना, आप उसे लगा लो, वो पूरा ब्लश की तरह वर्क करेगा। फिर हाइलाइटर होगा आपके पास उसी ही पैलेट में जो मैंने दिखाया था आई शेडो पैलेट, उसी में ही ये वाइट सिल्वर कलर का हाईलाइटर है, उसी को ही मैंने लगा लिया है। तो एक ऐसा आई शेडो पैलेट लो जिसमें आपका वो पूरा हो,
तो ये हमारा डन हो गया है। एडीएस का ये जो मेकअप फिक्सर है इसे आप लगा लो ताकि आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। डन। और आई होप आज का ये टीनेजर मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहीं रेड कलर की बटन है उसे प्रेस कर देना, सब्सक्राइब बटन, वहीं पे छोटू सा बेल बटन है उसे प्रेस कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए। और हाँ, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।